हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम कराने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से कक्षा चार का पहला पाठ, पाठ एक, जिसका शीर्षक है अच्छी सीख। बच्चों, क्या अच्छी सीख है आज हम इस कविता में देखेंगे और उस अच्छी सीख को सीखने की कोशिश भी करेंगे। संलग्न चित्र के आधार पर आप चार पंक्तियों की एक कविता लिखें, साथ ही बताओ कि इस प्रस्तुत कविता से क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों, चित्र देख रहे हैं ना? इस चित्र में क्या बना हुआ है? इस चित्र में झरना भी बना है, चिड़िया भी बनी है और पेड़ पौधे भी हैं और फूल भी हैं। तो इस चित्र में हम एक छोटी सी कविता बना सकते हैं, जैसे कि चूचू चूचू चिड़िया रानी आसमान में उड़ती है, नील गगन में प्यारे बादल ठंडी ठंडी हवा देते हैं, झरने का है कलकल पानी, साथ खिले हैं रंग बिरंगे फूल। तो इस तरह से हम ये कविता भी बना सकते हैं। जी हाँ, और अब हम चलते हैं कविता प्रवेश। बच्चों, प्रकृति की वस्तुओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। फूल हमें हंसता सिखाते हैं, भौरें गुनगुनाना और दीपक हमें जलकर भी प्रकाश देना सिखाता है। प्रस्तुत कविता में हम जानेंगे कि हमें किन किन वस्तुओं से क्या क्या सीखना चाहिए। तो चलिए अब हम कविता को प्रारंभ करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सरिता से सीखो बहना तुम अपना मार्ग बनाना। सरिता यानी कि पानी, जल। सरिता से सीखो बहना तुम अपना मार्ग बनाना। जैसे पानी कहीं भी ऐसे 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 करके निकल जाता है ना, अपना रास्ता स्वयं बनाता है, तो आप सरिता से सीखो अपना मार्ग स्वयं बनाना। और हवा से सीखो नभ में ऊपर उठकर छा जाना। हवा से सीखो नभ में, यानी कि आकाश में। हवा आकाश में चलती है, तो आप हवा से सीखो ऊपर आकाश में उठकर छा जाना। बादल से सीखो औरों की जग में प्यास बुझाना। बादल पानी बरसाते हैं, तो बादल से हमें क्या सीखना है कि हमें जो प्यासे हैं औरों की प्यास बुझाता है। पानी बरसाता है ना, पास प्यास बुझती है, तो बादल से सीखो औरों की जग में संसार में प्यास बुझाना। और सूर्य से सीखो तपकर धरती रोशन कर जाना। और सूरज से क्या सीखो, सूरज गर्म जलता है लेकिन वो दुनिया को, संसार को क्या देता है, रोशनी। सूरज की किरणें जब फैलती हैं तो पूरा संसार जो होता है वो रोशन वाला हो जाता है। और किससे क्या सीखो, मछली से सीखो उल्टी धारा में लड़कर बह जाना। मछली ऐसे भी चलती है ऐसे भी, तो मछली से आप क्या सीखना है, परिस्थितियां बच्चों कैसी भी हो लेकिन मछली अगर उल्टा पानी बह रहा है तो वो उल्टे भी बहने लग जाते, चलने लग जाते, तो आप मछली से ये सीखो। मोती से सीखो तुम गहरे अंधकार में पल जाना। और मोती से क्या सीखना है बच्चों, मोती समुद्र में मिलता है और मोती समुद्र के अंदर गहराई में जाके और फिर बड़ा होता जाता है, तो मोती से भी आप सीखो कि अंधकार में भी, समुद्र के नीचे बिल्कुल अंधेरा, तो वहाँ पे भी मोती पल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो आप मोती से सीखो गहरे अंधकार में पल जाना। किसी दुखित प्राणी पर कोमल माखन जैसे गल जाना। और अगर कोई दुखी है इंसान, कोई मनुष्य दुखी है, तो आप कोमल माखन जैसे गल जाना, आप भी उसकी दुखी में, अगर वो से है तो आपको भी उसके साथ दुखी, उसके दुख में आपको भी शामिल होना चाहिए। कैसे भी दुर्दिन आए, मतलब कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी आपकी बुरी अवस्था आए, कैसे भी आपकी कोई भी आपकी अवस्था हो, तुम पानी जैसे ढल जाना। लेकिन आप जैसे पानी ढल जाता है, किसी भी चीज़ में आप डालो तो पानी वैसे ही ढल जाता है, तो आप अपनी किसी बुरी दशा में भी आप वैसे ही ढल जाना। परेशान मत होना, अपना संयम मत खोना। अंधकार आए तो नन्हे दीपक जैसे लड़ जाना। और अगर अंधकार आ जाता है तो जैसे दिया जलता है, दीपक जलता रहता है, कभी भी वो बुझता नहीं है, चाहे कैसी भी हवा चले, तो आपको भी दीपक की तरह जलना है, अंधकार से लड़ना है। अत्याचार अनीति जहाँ हो पर्वत जैसे डट जाना। लेकिन अगर कहीं अत्याचार हो रहा हो, कहीं कोई
कोई गलत काम कर रहा हो, कुछ भी गलत नीति अपनाई हुई हो, तो वहाँ पे आपको जो है रुकना नहीं है, वहाँ पे आपको पर्वत जैसे पर्वत विशाल खड़ा रहता है, तो ऐसे आपको उनकी तरह डटे रहना है, पर्वत की तरह डटे रहना है। औरों के हित पेड़ों जैसे मीठे मीठे फल देना, जिस तरह पेड़ जो हैं वो स्वयं नहीं खाते हैं लेकिन दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों का हित करते हैं मीठे मीठे फल, तो ऐसे ही आप भी पेड़ों की तरह बनिए, अपने को छोड़कर दूसरे के बारे में सोचिए। मरकर भी तुम कीर्ति गगन पर अपनी लाली मल जाना, मरने के बाद भी आप अच्छे अच्छे काम करिए, इतने काम करें कि मरने के बाद भी आपका नाम हो, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैले। तो बच्चों ये थी हमारी बहुत अच्छी कविता, जिनके रचयिता थे घनश्याम कुमार देवांश। आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस कविता से सीखा होगा कि हमें कैसे कैसे क्या क्या सीख, किस से हमें क्या क्या सीखना है। ठीक, और अब हम चलते हैं कठिन शब्द, सरिता, दुर्दिन, मार्ग, अत्याचार, प्यास, अनिति, अंधकार, हित, दुखित, कीर्ति, प्राणी और लाली। अब आते हैं हमारे शब्दार्थ। मार्ग का अर्थ है रास्ता, दुखित मतलब दुखी, माखन का अर्थ है मक्खन, दुर्दिन यानी बुरे दिन, अनिति अन्याय, हित लाभ और कीर्ति यानी अत्यधिक ख्याति। और अब हमसे पूछा है हवा से हमें क्या सीखना चाहिए। बच्चों हवा से हमें सीखना चाहिए कि हमें इतना ऊपर, इतना ज़्यादा हमें फैलना है कि हम नभ से भी ऊपर जाएं, नभ से यानी कि आकाश से ऊपर, हमारे कार्य इतने अच्छे हों कि वो आकाश से भी ऊपर हो, हमारा इतना नाम हो। कविता के अनुसार बादल से हम क्या सीखते हैं। कविता के अनुसार बादल से हमें सीखना है कि हमें औरों की प्यास बुझानी चाहिए, बुरे दिनों में हमें कैसा हो जाना चाहिए, बुरे दिनों में हमें उसी के हिसाब से ढल जाना चाहिए, पानी की तरह, जैसे पानी कैसे भी ढल जाता है, बड़े बर्तन में होता है तो बड़े ऐसे हो जाता है, गिलास में करो तो वैसे हो जाता है, उसी हिसाब से ढल जाता है ना, तो बुरे दिनों में हमें पानी की तरह उसके हिसाब से ढल जाना चाहिए। अंधकार आने पर क्या करना चाहिए, अंधकार आने पर दीपक की तरह हमें दृढ़ रहना चाहिए, अंधकार में भी दीपक जलता रहता है, तो हमें भी अपने संयम को नहीं ख़त्म करना, हमें हार नहीं माननी और हमें दीपक की तरह जलते रहना है। कविता से आपने क्या सीखा, कविता से हमने अलग अलग प्रकृति की अलग अलग चीज़ों से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि सरिता से हमने सीखा, सरिता से अपना मार्ग कैसे भी होती है वो बना लेती है, कहीं ढलान होती है तो सरिता नीचे गिर जाती है, ऐसे ढलान पे हो जाती है, उधर मुड़ना होता है तो वो उधर बह जाती है। ऐसे बादल से हमने सीखा, वो औरों की प्यास, औरों से प्यास बुझाता है। पर्वत से सीखा, चाहे कितना अत्याचार हो अब उसे डट कर रहना है। इस तरह से हमने अलग अलग कविता से बहुत सारे उदाहरण लेके सीखे हैं, शिक्षा ली है। और अब चल रहा है आगे, अब हमें क्या देखना है, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले है जग में प्यास बुझाना किससे सीखना है, जग में प्यास बुझाना में बादल से सीखना है। गहरे अंधकार में पलता है सूर्य, चंद्रमा, मोती या बादल, गहरे अंधकार में पलता है मोती। दीपक किससे लड़ता है, अंधकार से, उजाले से, रोशनी से या सूर्य से, दीपक लड़ता है अंधकार से, अंधकार होता है लेकिन दीपक फिर भी जलता रहता है। पर्वत जैसे कब डट जाता, जब अत्याचार हो, जब अनीति हो, वा दोनों, या जब अंधकार हो। पर्वत जैसे डट जाना जब अत्याचार हो और जब अनीति हो, यानी कि दोनों पे, एक और दो, दोनों पर। और अब हम चल रहे हैं आगे, और अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए, जो कि मैंने पूर्ण कर दी हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा था, सबसे था कैसे, अब हमें यहाँ पे क्या भरना था, मैंने भरा है कैसे भी दुर्दिन आए तुम पानी जैसे ढल जाना, यानी कि कैसे भी आपकी दुर्दशा हो, जैसे कैसे भी आपके दिन आ जाए, कैसे भी दुर्दशा, लेकिन आपको पानी की तरह ऐसे ढल जाना है। तो यहाँ भरा है कैसे भी दुर्दिन आए तुम पानी जैसे ढल जाना, और फिर यहाँ पे क्या था, अंधकार, तो हमने यहाँ पे क्या भरा है, अंधकार आए तो नन्हे दीपक जैसे लड़ जाना, अंधकार आए तो नन्हे दीपक जैसे
लड़ जाना, और उसके बाद ख था, यहाँ पे क्या लिखा था, अत्याचार, और यहाँ पे क्या पंक्तियां पूर्ण करनी थी, अत्याचार अनीति जहां हो पर्वत जैसे डट जाना, और यहाँ पे था मरकर, मरकर के बाद हमें क्या हमने पंक्तियां पूर्ण की, मरकर, मरकर भी कीर्ति गगन पर अपनी लाली मल जाना। तो हमने अभी क्या किया, हमने इन कविताओं की पंक्तियों को पूर्ण किया, और अब है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। किसी दुखित प्राणी पर कोमल माखन जैसे गल जाना, इसको हमें कैसे में स्पष्ट करना है, जैसे अगर हमें कोई दुखी प्राणी दिख रहा है, कोई दुखी मनुष्य दिख रहा है, तो हमें हमें उसके दुख में, हमें उसके दुख में भी शामिल होना चाहिए, हम उसके दुख में शामिल होंगे, अगर वह दुखी होगा, वह परेशान हो, तो आप हमें भी उसके साथ उसकी परेशानी को समझना है, उसकी दया, उसके दुख में हमें भी शामिल होना चाहिए। और दूसरा है, मरकर भी कीर्ति गगन पर अपनी लाली मल जाना, आप इतने अच्छे काम करो बच्चों, इतने अच्छे काम करें, हमें इतने अच्छे कार्य करने हैं, बहुत परोपकार करना है, सबका बहुत भला करना है, कि जब हम जब मर जाएं तो हमारी जो कीर्ति है, हमारी ख्याति है, वो भी जो है फैल जाए, वो हम इतनी ज़्यादा हमारी हम इतने ज़्यादा हमारी ख्याति हो जाए कि मरकर भी हम अमर हो जाएं। और अब है सही शब्द पर गोला बताओ। सबसे पहले अंधकार आए तो नन्हे दीपक जैसे या सूर्य जैसे लड़ जाना, नन्हे दीपक जैसे लड़ जाना, तो मैंने दीपक के आगे सर्कल कर दिया। अत्याचार जहां हो जैसे डट जाना, पर्वत जैसे या शरबत जैसे, पर्वत जैसे डट जाना, मैंने पर्वत पे गोला लगा दिया। मरकर भी कीर्ति गगन पर अपनी लाली मल लेना या माली मल जाना, अपनी लाली मल जाना। बादल से सीखो जग की प्यास बुझाना या हवा से सीखो, किससे सीखो, बादल से सीखो जग की प्यास बुझाना। और फिर है हवा या सूर्य से सीखो धरती को रोशन करना, किससे, धरती को रोशन होता है, धरती रोशन होती है, सूर्य से सीखो धरती को रोशन करना। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, अभी हमने सही उस पर सही शब्द पर हमने गोला लगाया, और अब हमसे क्या पूछा है, हमसे प्रश्नों के प्रश्न पूछा है, जग की प्यास कौन बुझाता है और कैसे, जग की प्यास बच्चे कौन बुझाता है, जग की प्यास बादल बुझाता है, बादल बरसते हैं और जग को जो है जग की प्यास बुझा देते हैं। हमें सरिता से क्या सीख मिलती है, सरिता से सीख मिलती है कि अपना मार्ग स्वयं बनाती है, नदी जो होती है वो अपना मार्ग स्वयं बनाती है, जहाँ पे उसे ढलान होती है वो नीचे चली जाती है, इधर रास्ता होता है, मार्ग होता है तो उधर मुड़ जाती है। तो सरिता से हमें सीखना है कि वो अपना मार्ग हमें स्वयं बनाना है। हमें अत्याचार का सामना किस प्रकार करना चाहिए, हमें अत्याचार का सामना डटकर मुकाबला करना चाहिए, कभी भी अत्याचार को हमें सहना नहीं है, अगर कोई चीज़ गलत है तो हमें उसको बोलना है, हमें उसका मुकाबला करना है कि गलत है। मोती से हमें क्या सीख मिलती है, मोती से हमें सीख मिलती है कि वो समुद्र में चाहे कितनी गहराई होती है, कितना अंधकार होता है, उसमें भी वो पल जाता है, पलकर बड़ा होता है। तो हमें अंधकार में भी चाहे कितना भी अंधकार हो, कितनी भी परेशानी हो, कैसी भी अवस्था हो, उसमें भी हमें घबराना नहीं है और हमें पलना है, हमें मोती की तरह अंधकार में भी पल के बड़ा होना है। पर्वत जैसे डट जाना से आप क्या समझते हैं, पर्वत जैसे डट जाना मतलब कहीं अत्याचार हो रहा हो, कहीं अनीति हो रही हो, कहीं कोई गलत हो रही, तो जैसे पर्वत डटा रहता है, वो घबराता नहीं है, टूटता नहीं है, इसी तरह आपको भी ऐसे ही अत्याचार के सामने कभी भी घबराना नहीं है, कभी झुकना नहीं है, कभी टूटना नहीं है, उसका मुकाबला करना है। तो बच्चों इसके साथ हमारी शिक्षाप्रद कविता समाप्त हुई, और मैं आशा करती हूँ इस कविता के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।